Genau. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Start beginning of Allah, who's most merciful and mighty. Okay, now, chapter number 17, sales of goods ka. We'll discuss about chapter number 17, contract of sales of goods. अपने मोबाइल सब कुछ अपने जेब में रखो. Put everything in your pocket. Okay now, performance of contract of sale. ये हमारा जो 17 chapter है contract of sales of good के अंदर, जिसमें हमने buyer and seller के दरमियान जो contract होता है sale का, that sale that must be, इसमें कुछ चीजें जो है वो clarify होना चाहिए. उसके टाइम, उसका प्लेस, टाइम, प्लेस, पेमेंट, देयर मस्ट बी क्लियर. इसको क्लियर करना चाहिए बिटवीन सेलर एंड बायर. ट्रांसफर परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स में क्या है? द पार्टीज शुड इंक्लूड द टाइम, प्लेस ऑफ डिलीवरिंग ऑफ गुड्स, एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी एंड द लॉस ऑन या पेमेंट ऑफ प्राइस. इन चीजों को देयर मस्ट बी क्लियर बिटवीन सेलर एंड बायर. सेलर और बायर के दरमियान ये क्लियर होना चाहिए. अगर ये जो भी कमोडिटी है बायर और सेलर के दरमियान है, अगर वो डिलीवरी के बेस पे है, सही है, तो वो डिलीवरी टाइम क्लियर होना चाहिए. मिसाल के तौर पर आप बुक्स मंगवाना चाहते हैं किसी और जगह से, तो आपको टाइम, प्लेस, पेमेंट, जितना चीज़ें हो वो क्लेरिफाई करना चाहिए बिटवीन सेलर एंड बायर. ये जब क्लियर होगा तो जो सेलर है वो गुड्स डिलीवर करेगा और यहाँ से बायर जो है पेमेंट अप्रूव कर देगा. ऐसा है या नहीं है? तो देयर मस्ट बी म्यूचुअली क्लियर. बायर और सेलर के दरमियान ये चीज़ें क्लियर होना चाहिए कि किसी भी चीज़ के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट किया जाए तो उसका क्या पेमेंट क्या होगा, टाइम ऑफ डिलीवरी क्या है और प्लेस ऑफ डिलीवरी क्या है. डिलीवरी ऑफ गुड्स, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? मतलब यही है, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. हमने क्या करना है? डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है कि पोजीशन को ट्रांसफर करना एक से दूसरे को, सही है. एक टाइम पे पोजीशन जो भी कमोडिटी है वो पोजीशन किसके पास होता है? सेलर के पास उसका पोजीशन होता है. जो ही बायर उसे पेमेंट देता है तो उसकी पोजीशन ट्रांसफर हो जाता है किसको? बायर को. सो मतलब यही है, डिलीवरी ऑफ गुड्स का मतलब क्या है? ट्रांसफर द पोजीशन. हम क्या कर ले हैं? ट्रांसफर कर लेते हैं किसी पोजीशन का. मूड ऑफ डिलीवरी, डिलीवरी के कितने मूड होते हैं, कितने तरीकाकार होते हैं, कितने वेज होते हैं. पहला क्या है? एक्चुअल डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी और कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. ये एक्चुअल डिलीवरी क्या है? आप दुकानदार से क्या लेते हैं? मोबाइल लेते हैं, सही है, खरीदते हैं. मोबाइल खरीदते हो ना, यहाँ पर क्या हुआ? एक्चुअल डिलीवरी हुआ. आप उसने आपको मोबाइल दिया, आपने उसे पैसे दिए, यूँ आप मोबाइल ले लिया. हाँ, आपने मोबाइल ले लिया, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एक्चुअल डिलीवरी. जो एक्चुअल में आपको डिलीवर हुआ, जो फिजिकली एग्जिस्टेंट हुआ, इसका क्या है? फिजिकली हैंड ओवर. आपको फिजिकली हैंड ओवर किया गया है कि ये लो अपना मोबाइल, ये लो अपनी किताबें, ये लो अपना यूनिफॉर्म, ये लो अपने शूज, इसके बदले में आप क्या देते? पैसे देते या कुछ और देते, सही. नाउ नेक्स्ट वी हैव सिंबॉलिकली. अगर ये बात होगा सिंबॉलिकली, सिंबॉलिकली क्या है? क्योंकि हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, हम किसी चीज़ को ट्रांसफर नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पर अगर हमने किसी बंदे को, आपने गाड़ी खरीदना है, सही है, वो बंदा तो आपको नहीं कर सकता, गाड़ी को उठा नहीं कर सकता, आपके हाथ में तो नहीं दे सकता ना, ये हैंड ओवर तो नहीं होगा ना. सिंबॉलिकली उसकी कोई चीज़ ट्रांसफर हो जाएगा जिसकी वजह से वो सारा चीज़ ट्रांसफर हुआ. दैट इज की. क्या है? चाबी है. चाबी आपको देगा, यू विल टेक दिस कार विद योरसेल्फ, आपने ट्रांसफर वो हो गया. सो ओनली द ये सिंबॉलिकली, आप ओवरऑल नहीं लेते हो, ओवरऑल जिसके ऊपर आपका कॉन्ट्रैक्ट हुआ वो नहीं, लेकिन उसकी एक पोर्शन से आपके लिए जो पोर्शन ट्रांसफर किया जा सकता है. मिसाल के तौर पर आप जमीन खरीदते हो, जमीन तो आप अपने पास नहीं ले जा सकते ना, दे ओनली ट्रांसफर किया उसके डॉक्यूमेंट्स. जो ये डॉक्यूमेंट ट्रांसफर हो गया सो दैट विल बी सिंबॉलिकली, ये डॉक्यूमेंटेशन, ये की जो आप एक्चुअली उसको नहीं ले जा सकते अपने साथ, आप उसको उठा नहीं सकते अपने साथ, लेकिन कुछ तरीके से आप उसकी ओनरशिप जो है अपना सकते हैं. दैट्स कॉल्ड सिंबॉलिकली. सर मैंने तो दो एग्जांपल दी, जमीन का, दूसरा जो है आपका क्या है? गाड़ी का, जो आपके पास, आप उसको
उठा नहीं सकते, लेकिन उसकी चाबी के साथ, चाबी आप जब आप जब वो आपको चाबी देगा तो इट मीन्स दैट ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड. नेक्स्ट वी हैव क्या है, कंस्ट्रक्टिव. कंस्ट्रक्टिव क्या है, पोजिशन चेंज बट कैसरी नॉट चेंज. मिसाल के तौर पर क्या है, आपने आपने किसी बंदे से गाड़ी खरीदना है, सही है, लेकिन गाड़ी किसके पास है, उस बंदे के बेटे के पास है. किसके पास है, उसके बेटे के पास. वो अब वो बंदा क्या कर लेता है, अपने बेटे को ऑर्डर देता है कि ये गाड़ी दे दो. क्या अभी पोजीशन किसके पास है, बेटे के पास, लेकिन पोजीशन चेंज हो सकता है, लेकिन कस्टडी इट विल नॉट चेंज. अभी क्या रियल ऑनर कौन है, अबू है ना, उसके बाप जो रियल ऑनर है, दैट विल बी रिमेन रियल, वो रिमेन होगा, वो उसका पोजीशन चेंज हो सकता है लेकिन कस्टडी विल नॉट चेंज. तो यहाँ से उसके ऑर्डर की वजह से यहाँ उसकी दूसरी वो उसकी ओबे करके वो गाड़ी डिलीवर कर देगा. तो ऐसा इसी तरह को हम कहते हैं दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. नेक्स्ट वी हैव रूल्स ऑफ डिलीवरिंग ऑफ गुड्स. हमारे पास कुछ रूल्स है, इस रूल्स के तहत देखो जितने भी आपके डिलीवरीज कंपनी, जितने भी वो जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की कंपनीज होते हैं, या कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है, जैसे पहले मैंने कहा कि कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, अगर आप रियल ऑनर हैं, अगर आप रियल ऑनर हैं, आपकी नौकर जो है गोदाम में है, अभी गोदाम में जो आपके नौकर है तो उस टाइम पे ऑनरशिप तो आपके गोदाम के, गोदाम का ऑनरशिप किसके पास है, आपके ऑनर के, आपके जो नौकर के पास है ना, लेकिन रियल ऑनर तो ये आप हैं. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी क्या है कि आप ऑर्डर दे सकते हैं उस बंदे को, वो आपके बिहाफ पे एक्ट कर सकता है सिमिलरली, क्योंकि पोजीशन चेंज हुआ आपके दरमियान, आपकी जो एम्प्लॉय के दरमियान पोजीशन चेंज हुआ, लेकिन रियल ऑनर तो यू विल बी रिमेन, आप जो हुक्म देंगे वो दैट विल बी एप्लीकेबल. इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, कि आपका पोजीशन किसी और के पास है लेकिन फिर भी आपकी ऑर्डर चलता है, इसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. नेक्स्ट वी हैव रूल ऑफ डिलीवरी. डिलीवरी के कुछ रूल्स होते हैं. पहला रूल्स क्या है, ड्यूटी ऑफ ड्यूटी. पहला रूल्स क्या है, ड्यूटी ऑफ सेलर एंड बायर. बायर और सेलर का क्या ड्यूटी है, सेलर गुड्स देगा, बायर क्या देगा, बायर विल पे. सेलर सेलर क्या करेगा, डिलीवर करेगा और बायर विल पे एक्सेप्ट. बायर ने एक्सेप्ट करना है, लेकिन एक्सेप्ट किस टर्म में, उसने एक्सेप्ट करना है इन टर्म ऑफ मनी, उसे पे करना होगा, तब दैट विल बी एक्सेप्टेड, फिर जाके वो एक्सेप्ट होगा. नेक्स्ट वी हैव डिलीवरी ऑफ पेमेंट. डिलीवरी ऑफ पेमेंट क्या है, बोथ शुड रेडी टू पे इन डिलीवरी. बोथ एग्री होना चाहिए कि आपने डिलीवर करना है, मैंने पे करना है. बोथ शुड बी एग्री, दोनों ने ये एग्री, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट करना होगा कि यार मैंने पैसे ही देना है, आपने डिलीवरी करना है, पेमेंट इतना है, आपने बुक्स खरीदा है कितने का, 1000 का, सही है, 1000 का बुक से ओके हो गया, या ओके कर दूं, ओके कर दो. उसने डिलीवर कर दिया, आपने यहाँ पे जब कुरियर के पास आता है तो आपको कुरियर बनना आपको कहता है कि ये अपना पार्सल ले लो. आप पार्सल लेते ही आप उसको क्या देंगे, पेमेंट, यू आर पेइंग दैट. सो बोथ आर कंसर्न, दोनों की एग्रीमेंट हो जाता है कि डिलीवरी कितना है कितना नहीं है, तो आपने वो पे करना होगा. नेक्स्ट वी हैव क्या है, मोड ऑफ डिलीवरी. वो किस तरह भी हो सकता है, वेदर योर डिलीवरी इज कंस्ट्रक्टिव, वेदर डिलीवरी कंस्ट्रक्टिव सिंबॉलिकली और दैट वी हैव एक्चुअल. तो ये ऑन द बेसिस ऑफ सेलर और बायर के दरमियान जो एग्रीमेंट होता है, किसी चीज कोई भी मूड पे हो सकता है, कोई भी इन तीनों मूड में हो सकता है, दैट ऑन द ये चॉइस होगा किस क्या बायर और सेलर के दरमियान होता है कि वो किस तरह क्या कर लेते हैं, किस तरह वो ट्रांसफर ऑफ गुड्स करते हैं, वेदर दैट विल बी ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्टिव फिजिकल और सिम्बॉलिकली. जो तरीकाकार होता है दैट वो अपने दरमियान क्या करते हैं, वो गुड्स को देख कर, उस कमोडिटी को देख कर, उसी तरीके से वो मूड सेलेक्ट कर लेते हैं. नेक्स्ट वी हैव इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी. अच्छा पार्ट डिलीवरी है क्या, एक होता है होल डिलीवरी, दूसरा होता है पार्ट डिलीवरी. देखो आपने किसी बंदे से माल मंगवाया 100, सही है, आप कहते हैं यार उसको आपने 100 बॉल्स मंगवाए, सही है, सियालकोट से आपने 100 बॉल्स मंगवाए, लेकिन उसने 100 बॉल्स नहीं भेजे, 50 बॉल्स उसने बेच दिया, उसने 100 बॉल्स नहीं भेजा लेकिन 50 बॉल्स उसने बेच दिया, लेकिन इस 50 बॉल्स से क्या हुआ, दैट इज आपने क्या हुआ, दैट इज होल था, आपने एक्सेप्ट कर लिया. लेकिन बात ऐसे होता है, बात ऐसे होता है, आपको उसका ट्रांसफर जो है वो क्या हुआ, ऑनरशिप जो है वो ट्रांसफर हो गया, पोजीशन उसका ट्रांसफर हो गया. लेकिन जहां पर एक बंदा आपको भेज देता है 100 बॉल्स, आप 100 बॉल में से 2 बॉल या 3 बॉल लेते हो और बाकी आपको इग्नोर करते हो, यहां पर क्या हुआ, इन हियर द पोजीशन विल नॉट ट्रांसफर, यहां पे पोजीशन ट्रांसफर नहीं होगा. पार्ट में कोई पोजीशन, होल में जो है ओवरऑल में पोजीशन ट्रांसफर होता है, लेकिन पार्ट में किसी एक या दो लेने में कोई पोजीशन ट्रांसफर नहीं होता. नेक्स्ट वी हैव क्या है, डिमांड ऑफ डिलीवरी. देखो बायर डिमांड करेगा तब जाके सप्लायर उसे सप्लाई करेगा ना, जब वो डिमांड नहीं करेगा वो कोई
क्या होगा, रूल्स क्या है, रूल्स ये हैं कि सप्लायर ने जब जब उसको डिमांड होगा, जब बाय से डिमांड होगा तब जाके वो सप्लाई करेगा, लेकिन जब तक सप्लाई, जब तक डिमांड नहीं होगा ही विल नॉट सप्लाई, ही विल नॉट डिलीवर। डिमांड के बेस पे वो डिलीवर किया जाएगा, गुड्स ऑन डिमांड बेस पे। अगर आपको किताब चाहिए आप ऑनलाइन चले जाते हो, सेलेक्ट करते हो रोल नंबर, उसकी जो सीरियल नंबर है उसको सेंड करते हो उस बंदे को, उसकी कॉन्टैक्ट करते हो व्हाट्सएप के ऊपर, जो भी उसकी जो आप जिस तरह आप उसको अप्रोच कर सकते हो आप अप्रोच, वो आपको लिंक दे देता है किसी भी तरीके से अप्रोच, लेकिन वो आपसे पहली बात पहले ये पूछता है कि आप उसका सीरियल नंबर, उस बुक का सीरियल नंबर मुझे दो। वो सीरियल नंबर आप उसे देंगे तो तब जाके उसे ढूंढेगा, तो तब जाके आपके पास वो एग्रीमेंट होता है। सही है, तो ऐसे होता है क्या कि डिमांड जब आप उसे देते कि मैंने ये बुक मांगना है, ये बुक मेरा चाहिए, फिर कॉन्ट्रैक्ट होता है। जब तक डिमांड नहीं हो तो कोई डिलीवरी नहीं होती, डिलीवर होने के लिए डिमांड का होना जरूरी है। नेक्स्ट वी हैव क्या है, टाइम ऑफ डिलीवरी। आपने बताना होगा कि आपको कब चाहिए। सही है, अगर आपको अर्जेंट चाहिए, कल या परसों आपको चाहिए, तो अगर आप देखो, अगर टाइम मस्ट बी स्पेसिफिक, दोनों के दरमियान टाइम स्पेसिफिक होना चाहिए। अगर टाइम स्पेसिफिक है तो उसी टाइम के एग्जैक्टली द गुड्स विल डिलीवर। अगर टाइम स्पेसिफिक नहीं है, इफ टाइम इज नॉट स्पेसिफिक, टाइम स्पेसिफिक नहीं है तो ओकेजनली वो नॉर्मली कहीं भी वो दो दिन बाद, तीन दिन बाद, चार दिन बाद वो आपको सेंड कर देगा, जो एक अप्रोप्रिएट टाइम उसे मिल जाए वो आपको सेंड कर देगा। सही है, पोजिशन बाय थर्ड पार्टी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है आपका पार्सल आ जाता है, लेकिन पार्सल जब आया तो आप कहते हैं क्या आप वही बंदे हो, आप कहते हैं नहीं मैं तो नहीं हूँ, मैं उसका कज़न हूँ। सही है, लेकिन उसका कज़न क्या वो पार्सल को रिसीव कर सकतेगा, आपके यहाँ पे कोई डिलीवरी को रिसीव कर सकता है? हाँ कर सकता है, लेकिन ऑनर को जो जिसके लिए डिलीवरी आया हुआ है उसको कंसर्न करके उसको बताना होगा कि आपके पार्सल आया, क्या मैं डिलीवर कर दूँ। उससे ऑर्डर लेगा, क्या मैं इस बंदे को दूँ, ये पलाना पलाना बंदा है, इसको मैं आपकी पार्सल दूँ, इसका नाम ये है, दूँ। वो कहेगा हाँ दो, तो आपने क्या करना है, ओके करना है, उसको देना है। तो थर्ड पार्टी तब लेगा जब फर्स्ट पर्सन उसके अप्रूवल देगा, तब वेन द फर्स्ट पर्सन गिव अप्रूवल देन द थर्ड पर्सन विल एक्सेप्ट इट। क्लियर है, एक्सपेंस ऑफ डिलीवरी। अच्छा, ये डिलीवरी की जब ये पैकिंग होती है, जो चीज़ें होते हैं, मतलब एक आपको जो भी आपको कैमरा चाहिए, कैमरा तो ऐसा नहीं आएगा ना कि वो बंदा अपने शोल्डर में हैंड ओवर करके आपको लेकर आएगा, वो प्रॉपरली पैकिंग होगा, डिलीवरी उसकी पैकेजेस होगा, पैकिंग होगा, वो पैकिंग पे जितना एक्सपेंसेस आता है वो एक्सपेंसेस कौन बियर कर लेता है, कौन बियर कर लेता है, सेलर, क्योंकि ये सारे एक्सपेंसेस जो है वो अपनी डिलीवरी में निकाल देता है। सही है, सो एक्सपेंसेस विल बीयर बाय सेलर। नहीं, वो तो डिलीवरी जो सर्विसेज चार्जेस है ना, वो सर्विस चार्ज है वो, नहीं वो मैं जो वो पैकिंग करता है आपको, उसका स्टेप लगाता है, वो पैकिंग कर लेता है, प्लास्टिक लगाता है, मुकम्मल चीज़ें वो हम उसे कहते हैं रैप अप, जो आपको कर लेता है वो चीज़ें। अगर आपको रॉन्ग डिलीवरी हो जाए तो क्या होगा, रूल्स क्या है, अगर आपको गलत डिलीवरी हो जाए तो आप क्या करेंगे, हाँ वापस कर देंगे। अगर आपको गलत डिलीवरी हो जाए तो क्या करेगा, हाँ क्या वापस करोगे, आपके पास क्या राइट आएगा, वापस करने का राइट है या नहीं है, डिलीवरी गलत है यार, वापस करना है तो कर लो, लेकिन अगर लेना है तो ले भी सकते हो, लेकिन आपके पास मतलब आपने एक बुक मंगाया है मैनेजमेंट का, वो आपको मार्केटिंग का बुक देते हैं, तो यार बाज़ औक़ात उससे गलती हो जाती है। सही है, आपको आप जो कलर जो डिज़ाइन कपड़े के मांगते हैं वो डिज़ाइन वो कपड़ा नहीं होता। सही है, आप एक सूट मांगते हैं कि मेरा ये सूट है, आप एक शूज़ मांगते हैं कि यार ये शूज़, वो साइज़ वो नंबर गलत होता है, आपने साइज नंबर मांगे 8, वो उसने भेजा है 9, तो आपका वो क्या है, यू हैव द राइट टू कैंसिल। अगर नहीं अपने भाई के लिए खरीदना चाहते हो दैट यू हैव टू एक्सेप्ट इट, आप एक्सेप्ट कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, इंस्टॉलमेंट ऑफ डिलीवरी। इंस्टॉलमेंट ऑफ डिलीवरी कैसा हो सकता है, ये बल्क में हम परचेज करते हैं, मिसाल के तौर पर हमने लाहौर से कुछ परचेज कर लिया। सही है, कुछ सियालकोट से हमने बॉल्स परचेज कर लिया, 1000 बॉल्स, उसने क्या किया कि 500 जो है एक हफ्ते में भेजा और 500 जो है वो दूसरे हफ्ते में भेजा, क्या ऐसा इंस्टॉलमेंट जो है ये भेजना इन इंस्टॉलमेंट, वेदर वी एक्सेप्ट और रिजेक्ट, हम इसको हमारे पास राइट है कि रिजेक्ट कर ले, क्योंकि हमें जरूरत है होल का, इंस्टॉलमेंट की जरूरत नहीं है, इंस्टॉलमेंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो मार्केट की डिमांड है वो खत्म हो जाएगा, लोग अगर जो लोग डिमांड करते हो सकता है वो
खत्म हो जाए तो हमने वी हैव टू हमने इंस्टॉलमेंट में किसी चीज़ को नहीं लेना, अगर लेना है तो एज अ होल लेना है। अगर इंस्टॉलमेंट में ऐसे नहीं है कि यार एक बंदा आपको डिलीवर कर दे, आधा भी डिलीवर कर दे, आधा महीने बाद डिलीवर कर दे, सही है। दो वी इंस्टॉलमेंट में हमारे पास राइट आता है कि हम रिजेक्ट करें, एक्सेप्ट कर लेते हो, इट्स अप टू यू, क्योंकि बायर के पास एक्सेप्ट और रिजेक्ट का दोनों उसके पास अथॉरिटी होता है। नेक्स्ट वी हैव डिलीवरी ऑफ टू कुरियर। जब आप कोई चीज़ को डिलीवर करते हैं किसी बंदे को कुरियर के हाथ से, सही है, किसी बंदे के कुरियर के हाथ से, लेकिन आपने कुरियर को बताना होगा कि उस बंदे का नाम क्या है, प्लेस कहाँ है, फ़ोन नंबर का क्या है, वो सारा डिटेल आपने देना होगा ताकि वो बंदा सही राइट पर्सन को डिलीवर कर सके। नेक्स्ट वी हैव डिलीवरी एट डिस्टिनेक्ट प्लेस। अच्छा बात सुनो, आप ऐसे इलाके में रह रहे हो जिसमें ख़तरा है, ऐसे इलाके में रह रहे हो जहाँ कुरियर सर्विसेज वाले वहाँ पे नहीं आते, वहाँ पे चल नहीं थे, नहीं मतलब कहते यार वहाँ पे यार ये हालात ख़राब है, तो यहाँ पे रिस्क जो है किसके पास, किसके साथ होगा, बायर का रिस्क होगा या और सेलर का रिस्क होगा, बायर का रिस्क होता है। बायर का इसलिए रिस्क होता है क्योंकि वो अपने डिमांड के मुताबिक, अपने रिस्क के मुताबिक, क्योंकि वो हम वहाँ आते जाते जा नहीं सकते, वो अपने रिस्क के ऑन द बेस ऑफ हैज़ रिस्क वो कहेगा चलो ठीक है अगर जो भी हुआ रास्ते में जो भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ, सही है, ये मुझे भिजवा दो, क्योंकि गैर इलाका है तो बायर का रिस्क क्योंकि डिमांड उसने किया है, तो जो डिमांड करेगा वही दैट पर्सन विल बियर द रिस्क। अगर ऐसे इलाका हो जहाँ पे डिफ़िकल्टीज हो वहाँ पे जाना, तो वहाँ पे क्या बायर का रिस्क होगा, वो जो भी गुड्स सेल किया जाएगा ऑन द बेस्ट ऑन अ बायर रिस्क होगा वो। नेक्स्ट वी हैव एग्जामाइनिंग ऑफ द गुड्स। यहाँ पर सेलर जो है वो किसको अथॉरिटी देता है, किसको, बायर को, क्या करता है, बायर को अथॉरिटी देता है कि आप एग्जामाइन कर ले, चेक कर ले, देख ले, अगर आपके मुताबिक है, आपके डिमांड के मुताबिक आपने जो मंगवाया है वही है तो यू कैन परचेज इट। बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि जो कुरियर वाले आते हैं ना पहले आपसे पैसे लेते हैं बाद में आपको गुड्स डिलीवर कर लेते हैं, लेकिन बाज़ ऐसी कंपनियां हैं, बाज़ ऐसे लोग हैं जो मैंने जो बुक्स मैंने बहुत ऑर्डर किया हुआ है, ये बुक्स मैं हमेशा ऑर्डर करता रहता हूं, तो यहां पे बाज़ ऐसे जो कंपनी है सईद बुक स्टोर का, वो जब भी अब मुझे बेचता है तो वहां वो क्या कर लेता है, वो प्लास्टिक के शीशे के नहीं है, वो प्लास्टिक वाला शीशा जो नीचे बुक नज़र आ रहा है, मुझे पता है कि कौन सा बुक है, जो वो जो ऐसा होता है जो प्लास्टिक का शीशा है जो उसको पैकिंग रैप करके मुझे पता है ये कौन सा बुक है जो मैंने मंगवाया है या वही है या नहीं, तो वो उसकी जो है ना वो प्लास्टिक वाली जो जिस तरह नीचे से सब कुछ नज़र आ जाए उसी तरह उसको रैप अप कर लेते ताकि कस्टमर को हो समझ आ सके कि यार वही गुड्स है या नहीं है, ताकि बाद में क्या हो कि ये मतलब वो सब चीर पाड़ कर देख ले गो ये तो नहीं है, वो हल्ला मशा है, तो बेहतर ये यार देख लो ये हाँ यही है तो चलो चाहिए, बाद में ऐसा ना हो कि यार नहीं है तो वही वापस डिलीवर कर दो, उसी पैकिंग में वापस डिलीवर कर दो, दैट्स इट। नेक्स्ट वी हैव क्या है, एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स। एक्सेप्टेंस ऑफ गुड के पास किसके पास है, दो एक चीज़ है, सेलर ने सेंड किया बायर को, बायर क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, कब, जब वो पैसे देगा, व्हेन ही गिव अ पेमेंट देन ही विल बी एक्सेप्टेड। नेक्स्ट वी हैव रिजेक्शन ऑफ गुड। बायर के पास ये अथॉरिटी है कि वो रिजेक्ट कर ले अगर वो गलत हो तो, अगर वो गलत डिमांड गलत कमोडिटी डिलीवर किया गया हो, जो मांगा है वो नहीं उसके बरक्स कुछ और सेंड किया हुआ है, देन ही हैज़ अ राइट टू रिजेक्ट दैट। द लास्ट वन क्या है, रिफ्यूज़ द डिलीवरी। बाज़ औक़ात हम क्या कर लेते हैं, हम रिफ्यूज़ कर लेते हैं, कहते हैं मुझे नहीं चाहिए, हम अपने पेमेंट को अपने जेब को देखते हैं, यार मैंने तो डिलीवर कर दिया मेरे पास अभी पैसे नहीं है किसको दे दूं, तो वो रिफ्यूज़ कर लेते हैं, जब ज्यों आए थे वो रिफ्यूज़ कर लेते हैं, लेकिन रिफ्यूज़ का रिफ्यूज़ल को जो उसने रिफ्यूज़ किया, जिस बंदे ने रिफ्यूज़ किया, ही विल बियर द चार्जेस, जो कॉस्ट आया, जो खर्चा आया, जो एक्सपेंस आया उसके ऊपर, जो डिलीवरी कॉस्ट आया ही वो आप देंगे, आप मिसाल के तौर पर 200 रुपये 300 रुपये वो डिलीवरी चार्जेस हैं वो पे कर ले, वो रिफ्यूज़ आप कर सकते हैं, सही है, आप रिफ्यूज़ कर सकते हैं। बात ऐसे होता है जो रिफ्यूज़ करते हैं मोबाइल में रिफ्यूज़ कर लेते, वो रिफ्यूज़ल होगा तो फिर वो कुरियर जो है वापस ले जाकर उसी से तरीके से वापस दोबारा उस बंदे को सेंड कर लेता है, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारा जो है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट सेल्स ऑफ डिलीवरी जो है यहाँ पे एंड हुआ। तो नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा राइट ऑफ बायर के पास क्या क्या राइट्स है जो वो गुड्स को खरीद सकता है, क्लियर है, दैट्स ऑल।